झूठी बोली तो इसका मतलब ये है कि तुम बाहर नहीं गए। और हमने सोचा कि भाई जो भी नहीं बता देती अच्छी तरीका से कभी देख लिया तो रहने लगे घर में। इधर बड़ी नानी भी गर्भ धारण करती है और कुछ समय के बाद छोटी रानी भी गर्भ धारण करती है। अब तो घर में बड़ा आनंद है लेकिन दोनों पत्रियों में अंतर हो गया। कितना अंतर? बड़ी रानी के जब गर्भ आया तो उसे उतना ही काम करना पड़ रहा है जितना वो पहले किया करती थी। और जब छोटी रानी के पेट में बच्चा आया तो चारपाई से नीचे कदम भी नहीं रखना पड़ रहा है। हजारों दासियां सेवा करने में लगी। कोई दासी पैर दबाए रही है, कोई दासी हाथ दबाए रही है, कोई दासी सर दबाए रही है, कोई दासी पीठ दबाए रही है। और काउ दासी को जगह न मिल रही है तो दासी दासी कोई दबाए रही है। एक ही पति की पत्नियां लेकिन दोनों में अंतर हो गया, फर्क हो गया। कितना अंतर? तो एक ने किया गर्भाधारण और उस दिन से पलंग न छोड़ा है। दोनों रानियों में अंतर तो था लेकिन जब दोनों के बच्चा पैदा हुए उन बच्चों में भी अंतर। देखिए पर डाला जाता है। दोनों रानियों में अंतर था लेकिन जब बच्चा पैदा हुए उन बच्चों में भी अंतर। बड़ी के जब लड़का खेतों पे हुआ तो उसे कोई देखने भी नहीं गया। और इधर जब छोटी के लड़का हुआ तो गांव की हजार औरतें ढोलक बाजे लेके दरवाजे पे पहुंच गई। एक अगर पालना में सो रहा है तो दूसरा उधर भूखा पत्तों पे रो रहा है, उसे कोई गोद में लेने वाला नहीं है। एक इधर बड़ा बढ़िया बढ़िया सर्दियों में गर्म वस्त्र पहने है तो दूसरा उधर सर्दी के मारे खेतों पे ठिठुर रहा है। दोनों बच्चों के नाम रखे गए। बड़ी रानी के जो लड़का हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव। और इधर जो छोटी के घर में लड़का हुआ उसका नाम रख दिया गया उत्तम। ध्रुव और उत्तम अपनी किस्मत के अनुसार दोनों बच्चे घर में समझदार होने लगे, बड़े हो गए। लेकिन इन दोनों बच्चों में प्रेम बहुत था, एक दूसरे को चाहते बहुत थे। एक बार उत्तम ध्रुव के घर गया और ध्रुव का हाथ पकड़ के बोला, भैया ध्रुव अकेले बने रहते हो, अच्छा नहीं लगता होगा, चलो मेरे साथ, आज हम दोनों साथ साथ खेलेंगे। दोनों बच्चा खेलते रहे, पूरे दिन खेलते रहे। खेलते खेलते महाराज उत्तानपाद के दरबार में प्रवेश कर गए। जो उत्तानपाद ने बच्चों को देखा तो बड़े मगन भाई मन में सोचे लगे, परमात्मा आपकी बड़ा कृपा रही, चलो हमारी पत्रियों में नहीं बनी तो क्या होगा, हमारे बच्चों में तो प्रेम है ही है। और पिता को चाहिए क्या, जिसकी संतान सुखी है तो पिता उसी में सुखी है।
और एक मन में बात और सोची, उत्तम तो मेरे पास ही रहता है, ध्रुव पहली बार आया है, अब पता नहीं कब आए, आज उत्तम को नहीं ध्रुव को गोद बिठाएंगे। उत्तम जमीन पे खड़ा हो गया और ध्रुव को गोदी में गद्दी पे बिठा लिया। दरबार में बातें होने लगी, भैया एक दूसरे से कहने लगे, पिता हो तो महाराज जैसा हो, जितना ही महाराज छोटी रानी को मानते हैं उतना ही बड़ी को मानते हैं, और फिर पिता के लिए संतान बराबर होती है, चाहे घर में एक हो चाहे दस हो। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जहां चार आदमी इकट्ठे बैठे होते हैं वो चारों एक ही बुद्धि के नहीं होते, अलग अलग विचारों के होते, कोई कुछ सोचता है और कोई कुछ सोचता है और कोई कुछ भी नहीं सोचता है। उन लोगों के बीच में एक नीच बुद्धि वाला आदमी और बैठा था, नीच बुद्धि वाला कौन, चोगेला चूक तो है नहीं और बस गाय कहो चाहे रोए और घर घर फूट कराई दे वो करे एक के तो ए। जो नीच होते जिन्हें कहते चुगला, और ऐसे लोग अपनी आदत में कभी सुधार नहीं करते। जैसा हमने कल बताया था कि आदत वाला अपनी आदत कभी नहीं छोड़ता। चुगल से मन की बात कहो पर चुगल कब हूं ना छूके गो, वो अंधे पे भैंसिया कुतबई हो तो नौ की ग्यारह कूते गो, पेड़ के नीचे ऊंट करो तब पत्ता ही पत्ता सूते गो, और कुत्ते कितनो समझियो पर टांग उठाए गए। तो जिसकी आदत जैसी है वैसी बनी रहती, सुधरती और आदत वाला आदत नहीं छोड़ता। देखो, और मूर्ख को उपदेश देना अपनी मूर्खता भी होती है, वैसे मूर्ख को उपदेश देना अपनी मूर्खता होती है। कैसे मूर्खता होती, एक बात ध्यान में आ गई, बहुत पुरानी बात है, जब मैं कक्षा पांच में पढ़ता था तब की बात है, तब एक हिंदी की किताब आया करती थी, उसमें एक पाठ आया करता था बंदर और चिड़िया वाला। देखो मूर्ख को उपदेश देना अपनी मूर्खता कैसी, पानी बरस रहा था, सर्दी पड़ रही थी, पानी बरस रहा है सर्दी पड़ रही है, चिड़िया घोंसला में बैठी है, एक बंदर डाली पे बैठा बैठा भीग रहा है, सर्दी के मारे कप रहा है। तो वह चिड़िया ने वह बंदर से बड़ा अच्छी बात कही, और चिड़िया बोली, काय दादा मानुष जैसे हाथ पैर तेरे मानुष जैसी काया, चिड़िया बोली मानुष जैसे हाथ पैर तेरे मानुष जैसी काया, और आठ महीना तूने बैठे खाया छप्पर तक नहीं छाया। चिड़िया बोली आदमी जैसे हाथ पैर है तुम्हारे, अरे कहीं मड़ैया डाल लेते कहीं छप्पर छा लेते तो बस तो में काय को भीगते। बंदर को गुस्सा आई, बंदर सोचा लगा ठंडक में प्राण करे जाते, उपदेश दे रही है, आगे बढ़ो और बाने घोंसला पकड़ो नोच के दूर फेंक दो, ले तू बैठ ले। अब चिड़िया ने एक बात कही, सीख दे बाय जे सीख सुहाए, सीख का बंदर को दे अपो घरू भी करवाए। तो सीख उसे देनी चाहिए जो माने, मूर्ख को उपदेश देना अपनी मूर्खता होती है। तो उस चुगला को अच्छा नहीं लगा, चुगला चुपचाप निकल गया और छोटी रानी के घर पे जाके पहुंच गया। कहने लगा महारानी तुम्हारा तो घर में कोई सम्मान ही नहीं करता, तूने कैसे जाना। जाना नहीं आंखों से देखे आ रहा हूं, आंखों से वो महाराज का प्यार उस बड़ी रानी से जो खेतों पर रहती, तुम्हारा लड़का जमीन पे ऐसे खड़ा है जैसे मानो उसका कोई नहीं। अब उदासी कर लगा, महाराज की गोद में बैठा है, मुझसे तो देखा नहीं गया, मैं चुपचाप धीरे से ही निकल आया। जो छोटी रानी ने सुना, कौन रोकने वाला था छोटी रानी को, दौड़ी भाग करके दरबार में पहुंची, ध्रुव को गोद से उठा करके दूर फेंक दिया, गाल पे तमाचा दिया, कमी तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, जो तू राजा की गोदी बैठ गया, तेरी किस्मत भी राजा की गोदी नहीं है ध्रुव, क्योंकि तू दासी कर लगा है। अब वो छोटी रानी भगी आए के बोली, छोटी कहती हट दूरी खड़ा रे अभिमानी, पत्नी के बराबर आया है, अपने पति से बोली अब अकल तुम्हारी और कट गई है गोदी गधा चढ़ाया।
और किस्मत इसलिए नहीं है क्योंकि तूने भजन नहीं किया। अगर भजन करता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता तो गोदी मिलती।